उन शहीदों की यादगार हैं जिन्हें जिंदगी से ज्यादा शहीद होने का शौक होता है ये देख मैं तिल्ली क्या लाया हूँ चलिए दोस्तों आज कुछ बात करते हैं सन 1986 में रिलीज हुई फिल्म पाले खान की इस फिल्म को सन उन्नीस में राजेश खन्ना के साथ लॉन्च किया गया था फिल्म के निर्माता शक्ति सामंत उन दिनों कुछ कारणवश इस फिल्म को बंद करने का फैसला किए थे उनके बेटे अशिम सावंत ने इसके तेरह साल बाद जैकी श्रॉफ को बतौर हीरो साइन करके इस फिल्म को दोबारा शुरुआत की यह फिल्म प्रख्यात उपन्यासकार गुलशन नंदा द्वारा लिखित आखिरी उपन्यास है जिसे फिल्मों में बदला गया था ये वो युग था जब क्रांति और मर्द जैसे काल्पनिक देशभक्ति पर आधारित संगीतमय रोमांटिक फिल्में दर्शकों को भा रही थी एक समय धर्मेंद्र को पाले खान का किरदार निभाने का ऑफ़र किया गया था अंत में जैकी श्रॉफ ने इस किरदार को अंजाम दिया शक्ति सामंत फिल्म के लिए रिचा शर्मा को चाहते थे लेकिन जैकी श्रॉफ चाहते थे कि एक्ट्रेस खुशबू इस फिल्म में काम करें अनुपम खेर की शुरुआती फिल्मों में से पाले खान एक हैं अनुपम खेर इस फिल्म में ब्रिटिश जनरल बोन्जी के किरदार में नजर आए थे फिल्म के लिए संगीत आर डी बर्मन ने दिया था जबकि आनंद बख्शी ने फिल्म के सारे गीत लिखे थे साउंड ट्रैक सारे गामा द्वारा जारी किया गया था शक्ति सामंत की फिल्म पाले खान बिल्कुल ही अलग तरीके की फिल्म थी और यह फिल्म अपने समय से थोड़े आगे थी फिल्म के कहानी कुछ इस प्रकार है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के एक निर्जन क्षेत्र में शासन करता है लेकिन वहां के कुछ लोग आजादी के लिए प्रयास करता ही रहता है उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है पाले खान जो पूरे इलाके में अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देता है जब ब्रिटिश सैनिक गांव वालों पर हमला करते हैं तो वो बचाव के लिए हमेशा मौजूद रहता है और इसी वजह से पाले खान और उनका गिरोह अंग्रेज द्वारा अवांछित हो जाता है उसे पकड़ने में अंग्रेज़ कोई कसर नहीं छोड़ता है लेकिन एक दिन तक सभी तरीके व्यर्थ साबित होते हैं गुलबाज खान नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी पाले खान के वफादार सहयोगियों में से एक अमर सिंह का अपहरण या किडनैप करने का प्रबंधन करता है और उसे तब तक के लिए बंदी बना लेता है जब तक कि पाले खान सरेंडर या आत्मसमर्पण नहीं कर देता अमर सिंह को काफ़ी टॉर्चर किया जाता है लेकिन वहां के गिरोह से संबंधित कोई भी जानकारी देने से अमर सिंह इनकार करता है प्रतिशोध में पाले और उसके गिरोह ने ब्रिटिश जनरल बोंज की बेटी हेलेन का किडनैप कर लेता है लेकिन अंततः पाले और हेलेन प्यार के बंधन में बंध जाते हैं ऐसे ही करके कहानी आगे बढ़ता है इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे जैकी श्रॉफ जो लीड एक्टर पाले खान के चरित्र में नज़र आए थे पूनम ढिल्ला जुलेखा खान के किरदार निभाए थे हेलेन बोन्स के किरदार को अंजाम दिया था फरहा नाज में ब्रिटिश अधिकारी मोहम्मद गुलबाज खान के रूप में शक्ति कपूर को देखा गया था इसके अलावा इस फिल्म के अन्य कलाकार थे बॉब क्रिस्ट जो कि ब्रिटिश अधिकारी स्मिथ के किरदार निभाए थे ब्रिटिश अधिकारी तेग अली खान के रूप में मानिक ईरानी को देखा गया था मैक मोहन मोहम्मद जमाल खान के रूप में रुपेश कुमार सत्यन कपूर कमल कपूर और काजी अलीमुद्दीन शाह के रूप में दिनेश ठाकुर और टॉम ऑल्टर सैन्य न्यायालय के अधिकारी के रूप में नजर आए थे इस फिल्म के गाने भी काफ़ी अच्छे थे आया हवा का हर एक लता मंगेशकर जी के आवाज़ में सलमा को मिल गया बल्मा लता मंगेशकर जी के आवाज़ में मेरे सनम तेरा ख़त मिला खत में तूने ख़त लिखने को कहा ये लता मंगेशकर और सुरेश वाडिकर का डुएट था अल्लाह का नाम ले हिम्मत से काम ले किशोर कुमार सुरेश वाडकर का आवाज़ में ये गाना काफ़ी लोकप्रिय हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के और दो गाने थे अल्लाह करे छम से और काबुल से आया है ये दोनों गाने आशा भोसले जी ने गाए थे फ़िल्म पाले खान के रिलीज़ डेट था फर्स्ट जनवरी 1986 और बॉक्स ऑफिस के हिसाब से पाले खान एक एवरेज मूवी साबित हुई थी